नेक्स्ट है चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मतलब कि स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग और स्क्वायर रूट मीन्स होता है वर्ग मूल, मतलब कि वर्ग और वर्गमूल। इसके बाद हम आते हैं स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स विद द नंबर इट्सेल्फ। फॉर ए गिवन नंबर एक्स द स्क्वायर ऑफ एक्स इज एक्स मल्टी सॉरी ब्रैकेट में x मल्टीप्लाई एक्स डिनोटेड बाई एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो दिया है x मल्टीप्लाई x, इसको हम कैसे करेंगे x स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर। एग्जांपल है 4 के पावर 2 यानी 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4, मतलब पावर 2 दिया है तो इसको दो बार लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। एंड वी से दैट द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तुमको क्या मिलेगा 16। इसके बाद है 9 स्क्वायर, मतलब 9 के पावर 2 होते हैं उसको हम स्क्वायर पढ़ेंगे, तो ये हमारा जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 81। एंड वी से दैट द स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, मतलब कि 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। इसके बाद हम आते हैं परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स। ए नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर और ए स्क्वायर नंबर इफ़ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल हमारा है वी नो दैट 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आएगा। 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 आएगा। 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, मतलब कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, एंड सो ऑन। टेस्ट है अगेन 10, 1, 4, 9, 16, 25, etc. आर परफेक्ट स्क्वायर। टेस्ट है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिएबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। जैसे इसमें हमको एग्जांपल पहला दिया है इज 196 ए परफेक्ट स्क्वायर, इफ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। इसको सॉल्व किया है रिसॉल्विंग 196 इनटू प्राइम फैक्टर्स वी गेट, मतलब यहाँ पे हमारा 196 का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से वर्गमूल निकाला है, तो ये हमारा हो जाएगा 196 इज इक्वल टू 2 × 2 × 7 × 7। दस 196 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, मतलब इसमें जो दो पेयर बनाया गया है तो उसमें हमारा पेयर है 2 का और 7 का। 196 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर आल्सो 196 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2 × 2 × 7 × 2 = 2 × 7 2 = 14 का होल स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 196। हेंस 14 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 3A में। एक्सरसाइज 3A का हमारा पहला क्वेश्चन है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। इसमें भी हमको क्या पूछ रहा है परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा उसमें 441 प्राइम फैक्टर्स। अब इसका हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो इसको हम करेंगे पहले 3 से, फिर 3 से 7, 7, मतलब इसमें हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, लास्ट में हमारा हो जाएगा 7 से 1 हो जाएगा। अभी लिखेंगे 441 इज इक्वल टू 3 × 3 × 7 × 7। तब यहाँ पे हमको पेयर बनाना है तो पेयर बनाएंगे, हम 2 का पेयर बनाते हैं तो उसमें हम सिर्फ 1 लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 7 × 7, ये भी हमारा पेयर में है तो ये हमारा हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21। 21 इज़ द नंबर स्क्वायर इज 441, मतलब 441 का 21 क्या है स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे 21 × 21 हमारा आएगा 441। आंसर में हमारा हो जाएगा 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2 576। इसमें भी हमको परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है तो इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से
एलसीएम की तरह निकालेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। इसमें भी हमको परफेक्ट स्क्वायर ही पूछ रहा है। इसके बाद के सारे क्वेश्चन हम अपना करेंगे।